दिल्ली से सटे यूपी के साहिबाबाद इलाके के एक कबाड़ गोदाम में गुरुवार देर रात आग लग गई, जिसमें झुलसकर एक बुजुर्ग और तीन बच्चों की मौत हो गई। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त बुजुर्ग अपने पोते और पोती के साथ गोदाम के एक हिस्से में सो रहे थे। आग में आज क्या क्या हुआ, आज कौन कौन इसमें क्या नाम आग की चपेट में? पूरी लकड़ वाले था, लकड़ वाले इधर से लगाया था। आग की चपेट में कौन कौन आए? हमारे पिताजी आए, मेरे भतीजा आए, भतीजी सब खत्म हो चुके हैं। कितने बच्चे हैं और कितने कौन कौन है, नाम बताओ? तीन बच्चे हैं हमारे, एक पिताजी है, नाम मेरा दिमाग से साफ उतर गया भाई। वही परिजनों का आरोप है कि आग पड़ोस में लकड़ी का गोदाम चलाने वाले एक शख्स ने पुरानी रंजिश के चलते लगाई है। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस इसे एक हादसा मानकर ही चल रही है। घटना की जांच की जा रही है, किस कारण से आग लगी। कितनी कैजुअल्टी है अभी तक? अभी तीन बच्चे और एक बुजुर्ग आदमी प्राप्त हुई। कितनी गाड़ी अब तक आपको काबू कर? तीन गाड़ी। घटना के बाद से इलाके के लोग सकते में हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है कि यह हादसा है या कोई साजिश। शक्ति सिंह, न्यूज एक्सप्रेस, साहिबाबाद।